दोस्तों, इसे तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि सड़कों में आमतौर पर रोड रोलर का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे किस प्रकार से चला सकते हैं और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। यह जानने के लिए हमारी यह वीडियो पूरी ज़रूर देखें। दोस्तों, अब हम बैठ चुके हैं रोड रोलर पर। दोस्तों, इसमें तेल की टंकी बैक साइड दी गई है और आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा इंजन है और नीचे का सारा पार्ट खाली है। दोस्तों, यह है इसकी ब्रेक है और इसके द्वारा इसकी रेस को बांधा जाता है। दोस्तों, इसको बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह चलाया जाता है। जिस प्रकार से हम कभी भी ट्रैक्टर चला सकते हैं तो इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से चला सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने गियर हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 5 गियर दिए गए हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पर बैक गियर है। फर्स्ट ए है, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए और फाइव। यहाँ इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, ये देखो, अब यह चौथा गियर लग चुका है इसका। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ कि यह कितना बड़ा है और आपको बता देता हूँ कि इसमें प्लास्टिक का या और कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ लोहा लोहा है, निग्गर लोहा जिसको कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हम इसके इंजन में बढ़ चुके हैं। ये देखो, इसके इंजन को आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा इसका इंजन है और इसमें आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें कितना ज़्यादा वजन होगा। और इसका टायर भी देख सकते हो आप कितना बड़ा है। दोस्तों, यह बीच में सारा लोहे का भरा हुआ है और इसको कोई चोरी भी करना चाहेगा, इसकी चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि यह इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर सड़कें बनाने वाले ठेकेदार इसी का प्रयोग करते हैं। और आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।